अख्तर एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, इनके साथ मैंने काम भी किया है और करना भी चाहता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ दिल, नेक दिल लड़की हैं और मेरी अच्छी फ्रेंड हैं हमारी, और काफ़ी जान पहचान है। और आज पहली बार इनकी बर्थडे में मैं आया हूँ, तो मैंने इनसे कहा था कि ये क्लब लब में करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप घर पे बुला के हमको अपने हाथ से बना के खाना खिलाते तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। क्यों? ज़रूर, ये नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने रखा है, मुझे लगा कि फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ मौका रहना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपको बिरयानी बना के खिलाने वाली हूँ, दैट्स अ प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम कभी आएगा ये? कमिंग सून, जल्दी ना, नेक्स्ट डे? नहीं, नेक्स्ट डे नहीं, थोड़ा टाइम, लेकिन 3-4 दिन में हो जाना चाहिए, एक आध हफ्ते में, इंशाल्लाह। जरूर जरूर। और मैं दुआ करता हूँ, आई विश ऑल द बेस्ट, और मैं, मेरी दुआ है कि ये बहुत सक्सेसफुल हों और जो काम करने आई हैं उसमें बहुत कामयाबी इनको मिले, और गॉड ब्लेस। किसी फिल्म प्रोजेक्ट में साथ में काम करने की कोई इच्छा? और ज़रूर इच्छा है, एज एन एक्टर करने की इच्छा है, और ज़रूर काम करेंगे, और मैं, मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ। आकाश उस प्रोजेक्ट का नाम हो, एक प्यार का नगमा है। अरे क्या कहते हैं, क्यों एक प्यार का नगमा शाबाज है नहीं? एनीवेज, मेरी खुशकिस्मती है कि ये आए यहाँ पे, उन्होंने अपना वक्त निकाला और आज शरीक हुए इस छोटे से सेलिब्रेशन में, तो हम छोटा सा नहीं था, छोटा सा क्यों छोटा? तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, एंड थैंक्स फॉर मेकिंग माय बर्थडे सो मेमोरेबल, एंड आई विश कि हमारी दोस्ती ऐसे ही यूं ही बरकरार रहे सदियों सदियों तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। God bless her. She's a special child. लगता है कि नगमा जब मुंबई इनकी एंट्री हुई थी तब से मैं जानता हूँ, और इनका मुंबई का जो सबसे पहला दोस्त मैं ही हूँ, पूछ लो नगमा से। फिर उसके बाद मिलते रहे हम लोग, नगमा जाती रही, वापस भी आती रही, पर हमारी जो दोस्ती है वो आज भी उसी तरह बरकरार है, और बहुत ही टैलेंटेड तो हैं ये, बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुझे लगता है हमारी दोस्ती 7-8 साल से यूँ ही बरकरार है। और मैं बिल्कुल बर्थडे विश करना चाहता हूँ नगमा को, और एक नगमा नगमा के लिए गाऊंगा मैं, क्योंकि म्यूजिकल बर्थडे हमारे लिए तो वही है जी, जी। तो हर बार वो गाना गाते हैं ना, बार बार दिन वो तो होता है। तो मैं नगमा के लिए कहना चाहता हूँ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल कर देखदा रवां, ओ किन्ना सोना तेनू, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर देखदा रवां, ओ किन्ना सोना तेनू। वो तो आप देख ही रहे हैं, इतना सोना बनाया उसको, और मैं विश करना चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह खुश रहें और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। जितनी अच्छी ये अदाकारा हैं, जितनी अच्छी डांसर हैं, इन्हें इनका मुकाम मिले, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। अरविंदर जी तो परिवार है, दोस्त कम, इज़ अ फैमिली टू मी, और मैं इनको आज से 10 साल पहले से जानती हूँ, जब मैं पहली बार बॉम्बे में आई थी। खैर, तब मैंने सोचा नहीं था कि हमारी दोस्ती इतने आगे तक बढ़ेगी, बट फिर खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बॉम्बे जैसे शहर में जब हम अपने घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं, बहुत तन्हाई होती है, बहुत अकेलापन होता है, हम अपने दोस्तों को, घर परिवारों को, पूरे परिवार को बहुत मिस करते हैं, तो इस ऐसे हालात में हमें एक ऐसा परिवार मिला है, एक ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, मतलब सुख हो, दुख हो, वो हमेशा हमारे लिए रहे हैं। सो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आपने वक्त निकाला, आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, एंड थैंक यू सो सो मच, एंड आई विश कि हमारी दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, आमीन। बस अल्लाह से यही दुआ है। अभी तो शूट चल रहा है मेरा, तो फिर अभी परसों से फिर मैं शूट करने वाली हूँ, कुछ समय निकाल के आज एक गेट टुगेदर रखा है, बर्थडे पार्टी है, तो बस आज और कल की छुट्टी है, फिर परसों से गेट बैक टू वर्क। डिस्कस करना चाहेंगे क्या प्रोजेक्ट है, क्या
वो डिस्क्लोज हम थोड़ी देर बाद करेंगे, जरूर करेंगे, तो वो हमारी टीम भी है तो साथ में. हाँ जी, थैंक यू सो मच. हाँ, नगमा को बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं जन्मदिन के लिए, और अल्लाह करे बहुत तरक्की हो. नगमा की बहुत अच्छी इंसान है और जितनी ब्यूटीफुल है उतने अच्छे इंसान भी हैं, तो मेरे दिल से हमेशा दुआ है और बहुत अच्छी दोस्त है और अच्छा लगता है नगमा से मिलना और उनके बर्थडे में उनके बुलाए पर शामिल होना. अल्ताफ जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी है ये. खैर, इन्होंने अभी कुछ गुनगुनाया है नहीं, लेकिन उनके मैं चाहूँगी कि उनका एक बहुत फेमस गाना है जो पूरे भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया है कि मैं मतलब, और स्पेशली मैं उस गाने की फ़ैन हूँ और मेरा जो कॉलर ट्यून है उनके गाने, मतलब गाए हुए गाना ही वो सेव्ड हैं. तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे कलाकार है ये, और हमेशा साथ दिया है उन्होंने एज अ दोस्त. और बस मैं भी उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उनके आने वाले करियर के लिए. चाहती हूँ वो इसी तरीके से बहुत खूबसूरत से गाने से हमें नवाजे और साथ में भी बहुत सारा काम करें, साथ में भी हम बहुत सारे एल्बम्स करें, रोमांटिक गाने में हम काम करें. एंड बट हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट यू नो, क्योंकि सब लोग सुनना चाहेंगे अल्ताफ सैयद को. अच्छा, मैं धीरे से दो लाइन सुनाता हूँ, मतलब वॉइस नहीं कर सकता. नैनों की तो बात नैना जाने है, सपनों के रास्तों रहना जाने है. तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म. थैंक यू सो मच. कोई शब्द ही नहीं है. नहीं, तो बस आप प्यार है नगमा का और बोलते ना बहुत अच्छी इंसान है ये. चाहते हैं कि आप इसी तरीके से और भी बेहतरीन गाने गाएं और कंपोज करें और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं, पूरे दुनिया के, विश्व के लोगों को ही ऐसे खूबसूरत गानों से आप नवाजें, ये हमारी दुआ है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं, नगमा जी तो हमारा फिल्म में बहुत बढ़िया एक मेन कैरेक्टर कर रहे हैं, जो कि सावित्री का कैरेक्टर है. एक नोवेल में, नोवेल में जो कैरेक्टर है सावित्री, उसको अच्छी तरह मतलब करके दिया, जो हमको बहुत पसंद आया. और ये बर्न आर्टिस्ट और चाइल्ड आर्टिस्ट से अपना कैरियर शुरू किए है, आसाम के है. और मेरा जो कैरेक्टर है बंगाली, जो सावित्री करके कैरेक्टर है, उसको बहुत अच्छी तरह निभाया. और अभिषेक जी भी उसका बहुत बढ़िया, उसका डायरेक्शन में उस अच्छी तरह. तो थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, मतलब थोड़ा सा डिटेल बताइए, क्या प्रोजेक्ट एग्जैक्टली, कब तक का देखने को मिलेगा? प्रोजेक्ट एक नॉवेल है, उसको हम कर रहे हैं, फेस्टिवल वगैरह में उसको भेजेंगे. फिल्म है फॉर नगमा, शी इज़ लाइक यू नो, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड नॉट जस्ट अ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल बाई हार्ट. और बहुत ही मतलब, जिस तरह सर ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर, तो एक्चुअली में मतलब हम लोगों को लगा नहीं था कि हम उस चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बट उन्होंने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कम्प्लीट किया. तो वही एक चीज़ है, बाकी तो बाकी अभी बहुत सारी शूटिंग बाकी है, तो जब कंप्लीट होते जाएगा देन विल डिस्कस की क्या एग्जैक्टली. वो ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, कितना एक्साइटेड हैं और क्या कितना चैलेंज था इस कैरेक्टर को प्ले करना और कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है सबसे? इस कही कैरेक्टर जो है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैंने पहले ही मतलब किसी दूसरे कमिटमेंट के वजह से मैंने कहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा नो ही था. मतलब पूरा एक दिन चला गया, मुझे कॉल आता गया कि आप कर लीजिए, एक बार मिल लीजिए, मतलब एक बार कैरेक्टर क्या है सुनिए. तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहीं और कमिटमेंट किया है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. बट फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मतलब एक बार मिलने में क्या है, मैं कैरेक्टर एक बार जान लेती हूँ कि कैसा है क्या है. मैं गई अगले दिन, तो मुझे जब क्रिएटिव ने स्टोरी बताई सावित्री का, मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हो गई उससे. जबकि जो सावित्री है वो मेरे से मतलब थोड़ी सी, मतलब शी इज़ नॉट यंग, शी इज़ अ मैरिड वुमन. और तो फिर मैंने सोचा कि एक बार कि यार ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, कोई टैग ना लग जाए, एक इमेज बिल्डअप ना हो जाए मैरिड वुमन का, एक वुमन वुमनाइजर का. लेकिन फिर जब मैंने कैरेक्टर सुना, मुझे इतना अच्छा लगा कि आई वाज लाइक कि अरे
मतलब दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मौका मिला है यहाँ पे अपने एक्टिंग को शो करने का, अलग अलग सीन्स है, एंड स्पेशली मैं अपने आप को बहुत इमोशनल इंसान समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि इमोशनल जो कैरेक्टर्स होते हैं सीन्स, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से शायद निभा सकती हूँ, तो ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे रोना धोना बहुत ज़्यादा है सावित्री का, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा उसका पहनावा, हर ड्रेसअप, और जो जिस तरीके से सावित्री को डिज़ाइन किया गया था, उनके बालों से लेके उनके ड्रेस, उनका मेकअप, इट वॉज ब्यूटिफुल। तो मेरे पास कोई ऐसा चांस नहीं था कि मैं सारी चीज़ें सुनने के बाद बोलूँ कि मुझे नहीं करना है, एंड समहाउ काफ़ी काम कर रही हूँ, करते आई हूँ, आसाम हो, बॉम्बे हो, साउथ हो, लेकिन इस बार जिस टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, जैसे अभिषेक है, ही इज़ डायरेक्टिंग इट, पटनायक जी है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई एम सो ग्लैड कि मुझे एक ऐसा टीम मिला। लिटरली शूटिंग में आई डोंट फील कि यू नो कि ये मतलब डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर आए हैं, सो इट्स सो लाइक अ फैमिली, हम हंसते हैं, एंड अभिषेक इज़ द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ आफ्टर माई मॉम जो मुझे बाबा बोलते हैं, मतलब हाँ बाबा, बाबा ये कर देना, बाबा ऐसा, तो इट फील्स सो ओन, मतलब एक अपनापन फील होता है, तो समहाउ आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा एक टीम मिला है, और मैं दुआ करूँगी कि इन लोगों के साथ हम एज अ टीम और काम करें, और ये शायद एक आध महीने में रिलीज होने वाली है, और कुछ क्लाइमेक्स के सीन्स कुछ बाकी है जो हम लोग परसों से शूट करने वाले हैं, बाकी आप सबके आशीर्वाद चाहिए, दुआएँ चाहिए, आप ज़रूर देखिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम एज अ टीम और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सके, आपके सामने ला सके, और बस यही दुआ है। ओके, हाय, माई नेम इज़ दीपू न्यू एंड आई एम फ्रॉम असम, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम असम, सो हम लोग बहुत पहले से जाते थे फेसबुक थ्रू, हम लोग बात कर रहे थे, बट बहुत टाइम के बाद हम लोग मिले, और मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है आसाम से कि रिलेट कर सकूँ, और अच्छा काम कर रहे वो, और अच्छा काम कर रहे हैं, आगे जाके और भी मैं ये प्रे करता हूँ कि और भी नाम शोहरत जो चाहिए हम लोग को, जिसके लिए हम लोग इतना दूर से आके, आसाम से आके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली आई एम ए कोरियोग्राफर, आई एम वर्किंग इन टाइगर टीम, टाइगर श्रॉफ, सो डांसर तो हुई, एक्टर है, कभी हम लोग ज़रूर अच्छे से काम करेंगे, और सबसे अच्छी बात ये लगेगा कि बाहर से आके मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम लोग तरक्की भी करेंगे और आसाम को प्राउड फील कराएंगे। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसने मुझे बर्थडे में बुलाया, क्योंकि बहुत कम टाइम हुए हैं हम लोग मिले हुए, बहुत कम टाइम हुए, और उसने मुझे बताया कि चलो बर्थडे में आ जाओ मेरा ये है, तो मैं भी पहले मना किया था, अभी फिर मना नहीं कर सका क्योंकि बहुत प्यारा दोस्त बन गया अभी मेरे लिए, सो हैप्पी बर्थडे, एंड बहुत सारी खुशियाँ मिले, प्यार मिले, हैप्पीनेस मिले, सक्सेस मिले, ये मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच, एंड बहुत खुशी हुई हमें कि दीपू आया है, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिजी रहता है अपने शूट्स को लेके, एंड मुझे भी खुशी होती है कि बाहर से आके बॉम्बे जैसे बॉम्बे माया नगरी में इसने बतौर एज अ कोरियोग्राफर इतना अच्छा नाम कमा रहा है, और इतने अच्छे लोगों के बीच में ये काम कर रहा है, जैसे टाइगर श्रॉफ हो गया, ऋतिक रोशन, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो मेरी भी इनके लिए दुआएं हैं कि वो और नाम तरक्की करे, और इन फ्यूचर कोई ऐसा गाना हो मूवी का जिसको कोरियोग्राफ ये करे और जिसमें डांस हम करें, सो दैट्स द बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चाहेंगे नगमा जी के बारे में, कब से जान पहचान है इनके व्यक्तित्व के बारे में, कलाकार के तौर पर और इंसान के तौर पर? जान पहचान पिछले 2 महीने से है, और चूँकि पड़ोस में रहती हूँ तो इस वजह से और भी जान पहचान हुई, और मैं तो बहुत सारी गतिविधियाँ भी देखती हूँ, तो मैं इनकी प्रतिभा से हूबहू परिचित हूँ, और इन्हें मैं प्यार से, चूंकि मैं छोटी हूँ इनसे, तो प्यार से मैं दीदी भी बोलती हूँ, और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे मुंबई में जिन्हें आप इसका दर्जा दे पाते हैं। और रही बात इनके व्यक्तित्व की, तो सूरज को जो है एक दीपक दिखाने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व तो बहुत ही विशाल है, खासकर जो है एक जो कलाकार होता है वो सिर्फ एक कलाकार नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान भी होता है, और ये बहुत प्यारी एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत प्यारी डांसर, बहुत प्यारी इंसान है, और चूंकि मैं कवित्री हूँ तो 2 लाइन में अपनी बात ख़त्म करूँगी कि 2 लाइन आपके लिए स्वागत है। गीता में रचे गए श्री कृष्ण के निष्काम की तरह, गीता में
में रचे गए श्री कृष्ण के निष्काम की तरह, मैंने चाहा है तुम्हें निराला के राम की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जीवन की बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छुए, ये मेरी शुभकामना है। ये छोटी पैकेट बहुत बड़ा धमाके टाइप की है हमारी ज्योति। खैर, 2 महीने पहले ये शिफ्ट हुई है हमारे पड़ोस में, तब तो खैर बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत होने लगी और मुझे इतनी अच्छी लगी इनकी कुछ बातें कि ये इतनी कम उम्र में ये इतनी मैच्योर्ड है, ज़िंदगी को इतने मैच्योर तरीके से वो देखती है, चीज़ों को इतना डीपली सोचती है, जो कि आजकल इनके उम्र के लड़कियों में तो देखने को मिलता ही नहीं है, और स्पेशली इतने कम उम्र में जिसने इतना मकाम हासिल किया है। और बहुत कम, खैर मुझे तो याद नहीं कि इस नगमा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नगमा, और ये जितनी खूबसूरत हैं उसी उतने ही खूबसूरत दिन ये इनका जन्म हुआ है और आज इनका बर्थडे पार्टी थी। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ये हमेशा खुश रहें, यूँ ही आगे बढ़ती रहें, बहुत सारा काम करें, फिट रहें, और क्या बोलते हैं, इनकी खूबसूरती तो आप देख ही रहें, ये ऐसी ही जवां रहें, हमेशा खूबसूरत रहें, ये दुआ है। मैं अभी कर रहा हूँ, कलर्स पे आ रहा है श्रीमद् भागवत, उसमें अधर्म का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। कितना एंजॉय कर रहे हैं शेर को? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे विलन कैरेक्टर बहुत पसंद है, नेगेटिव शेर, तो बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, लोग मतलब जब आ रहा है तो लोग उसको रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने, बहुत अच्छा किया, तो वो लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो अप्रिसिएशन मिल रहा है देख के, और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मोटिवेट मैं हो रहा हूँ कि और भी आगे अच्छा काम करूँ। तो कितना चैलेंज रहा, मतलब ये कैरेक्टर को प्ले करना, उसमें डरना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? चैलेंज काफ़ी था क्योंकि उसी टाइम मैं प्ले भी कर रहा था, तो वो लैंग्वेज अलग है और ये माइथो बहुत पुराना लैंग्वेज है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट डायलॉग्स होते हैं, तो उनको याद करना, बोल पाना, जो हम आम जिंदगी में रोज़ नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल पाना, तो बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मेहनत किया। मैं देख रही थी और मैंने ही, मैं एक्चुअली अब मेरे घर पर थी, तो जब इनका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था तो मैं तो पहली बार तो मैं पहचान नहीं पाई, फिर मैंने गौर से देखा ना, मतलब कि ओ ये तो हमारे अर्जुन यादव जी है, तो फिर मैंने तुरंत रिकॉर्ड किया और इनको भेजा, और लिटरली बोलो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी ऑनेस्टली कि ये इतना अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं। मतलब मुझे पता है कि ये अच्छे एक्टर है, मतलब इस कदर उन्होंने जो जस्टिस किया है अधर्म के कैरेक्टर से, तो मुझे लगता है कि कोई और अगर इनके जगह होता तो इस हद तक शायद इतना जस्टिस ना कर पाए। और बाकी तो ये तो शुरुआत है अर्जुन जी का, एंड लॉट्स मोर कमिंग अप, एंड मेरे तरफ से तहे दिल से उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए बेस्ट विशेज है कि ये हमेशा इसी तरह खुश रहे, इतने अच्छे अच्छे काम करे, बिग बैनर्स के साथ काम करे, और ये इतने अच्छे इंसान है कि उसके पॉजिटिव वाइब से वो सारे लोगों को, जो लोग भी इनसे मिलते हैं इनके दीवाने हो जाते हैं। तो ये एक्टर बने या ना बने, इनके अंदर जो एक अच्छी इंसानियत है वो ऑलरेडी लोगों में इतना पॉपुलर है कि लोग इनके काफ़ी फ़ैन हैं, और इस पीछे भी बहुत सारे फैंस खड़े हुए हैं। तो एनीवेज थैंक यू, ये थैंक यू सो मच, इन्होंने इतना बोला मेरे लिए, और ये खुद भी टैलेंट का पिटारा है, और इन्होंने ही सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था मेरा जो क्लिपिंग जो है, तो ये हमेशा खुश रहें, यूँ ही मुस्कुराते रहें, ये दुआ है मेरे ऊपर वाले से। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छा इनका नेचर है, बहुत ही अच्छी इंसान है, और हमेशा ये ऐसी रहें, ऐसी दुआ करता हूँ। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप श्रीमद् भागवत देखिए और अधर्म के कैरेक्टर को ढेर सारा प्यार दीजिए, और हमारे अर्जुन यादव को आशीर्वाद देते रहिए कि ये और अच्छा काम कर सके, और इसी तरीके से और भी अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ ये जस्टिस कर सके, और मैं चाहती हूँ कि बस ये हमेशा खुश रहे। मत रो यार। और खैर कहावत है कि बहुत कम इंसान होते हैं आजकल दुनिया में जिन्हें किसी की सच्ची दोस्ती नसीब हो, तो मुझे लगता है शायद उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो इतना मतलब इतना करते हैं, मतलब इमोशनली मेंटली इतना सपोर्ट करते हैं, सो ये ज़रूर मैंने कमाया है। एंड थैंक यू सो मच यू नो अर्जुन की आपने हमेशा आज तक साथ दिया है, एंड आई विश यू हैव अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ, करियर एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।